यूपी के जहांगीराबाद नगर में चेयरमैन और सभासदों में विवाद और गहराता जा रहा है। आज बोर्ड की बैठक होनी थी जिसमें लगभग 25 करोड़ का बजट पारित होना था, लेकिन 16 सभासदों के विरोध के कारण बैठक नहीं हो सकी। लेकिन चेयरमैन किसी अप्रिय कारण के चलते बैठक को स्थगित करना बता रहे हैं। बहिष्कार इसलिए करा जा रहा है कि बहुत सारे पॉइंट जो है चेयरमैन साहब को बताए गए हैं जो कि हमारे नगर के हित में है, सभासदों के हित में, चेयरमैन साहब के भी हित में है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहरी तत्व हैं या हमारे नगर पालिका के बड़े बाबू हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इन लोगों में समझौता ना हो, नगर का विकास ना हो और सिर्फ जो है पैसे का दुरुपयोग होता रहे। 14वें वित्त का जैसे अभी बताया हाजी जी ने कि हमारे 14वें वित्त का जो पैसा आया है 1,61,00,000 रुपए आए हैं। अभी तक बोर्ड मीटिंग जितनी होती हैं 14वें वित्त के पैसे को बोर्ड मीटिंग में अप्रूव कराया जाता है, उससे विकास के कार्य होते हैं। अभी इन्होंने क्या कराया कि उस पैसे को अर्जेंट दिखा के जी डीएम साहब ने लिस्ट मांगी है उसको अपने मनमाने तरीके से उस पैसे को लगा दिया गया है। सभासद को जनता ने चुना है, सभासद ये चाहता है कि भाई ये गली सबसे पहले ख़राब है तो इसको पहले कराया जाए और चेयरमैन साहब अपनी मर्जी से जो उनका मन कर रहा है वहाँ उस पैसे को ला दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि सभासद भी नाराज है और नगर की जनता भी नाराज है। हम मीटिंग चल रही है नहीं आज की मीटिंग हमें नहीं पता चल रही है नहीं चल रही है, हमें नहीं मिले। हम तो मीटिंग का बहिष्कार है, आज कोई मीटिंग नहीं, मीटिंग हुई नहीं। मैं डॉक्टर सूरज अहमद माहौर अध्यक्ष नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद। आज बोर्ड की बैठक थी लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आज मीटिंग स्थगित कर दी गई है। आगे कोई डेट निकाली जाएगी, एजेंडा तैयार करा रहे हैं, आगे जब होगी जब आपको बताएंगे। कितने का बजट है कम से कम इस मीटिंग में? 25 करोड़ का बजट है जो क्षेत्र विकास के लिए, क्षेत्र विकास के लिए 25 करोड़ का बजट है हमारा और बहुत अच्छा बजट है हमारा, देश हमारे नगर के लिए बहुत अच्छी विकास का।